नमस्कार, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होंगे डॉक्टर ओपी वर्मा जी, जो कि बडवी प्रोटोकॉल और फ्लेक्सिड के एक्सपर्ट हैं। आपने उनके वीडियो जो हमने फ्लेक्सिड के ऊपर जो जो किए थे, वो आपने जरूर देखे होंगे और उम्मीद है उससे आपने लाभ भी लिया होगा। आज का जो सेशन हमारा रहेगा, उसके ऊपर हम लोग कैंसर के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे बडवी प्रोटोकॉल इसके अंदर जो है वो मदद कर सकता है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस सीरीज को हम दो वीडियो के रूप में लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे और कैसे आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं और भी इसके रिलेटेड जो जानकारी है वो आपके सामने रखेंगे। तो प्लीज इन वीडियोस को आप पूरा पूरा देखें ताकि आप इस जानकारी का लाभ ले सकें। ओके, तो सर हमने ये तो समझ लिया कि बडविक प्रोटोकॉल क्या है, इसके 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 पीछे का की साइंस क्या है, कैसे ये डेवलप हुई और कैंसर का मेन जो है रीजन रूट कॉज क्या है। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया अभी कि डॉक्टर बडविग ने जर्मनी के अंदर रिसर्च की, काफी रियल पेशेंट्स के ऊपर जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनको काफी सक्सेस मिली है। 90% प्लस इसका सक्सेस रेट भी माना गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड है। आप भी इसमें काफी साल से काम कर रहे हैं, तो इसकी सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल आपके पास किस तरह के हैं, किस किस तरह के लोगों को इसमें बेनिफिट हुआ है, कितना अक्सर समय लग जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दें। जी सर, जी सर। या सर मैं आपको बताऊं कि जो जो बडविग है, मैं उसको मेरी मदर मानता हूं, मेरा आइडोल मानता हूं, मेरी गॉडेस मानता हूं। और मैं नहीं, अगर आप भी इनके विज्ञान को 75% भी समझ लेंगे तो आपके भी यही विचार होंगे। मतलब मेरे लिए डॉक्टर बडविग की इज्जत इस दुनिया में सबसे ज्यादा, बाकी सब बाद में आते हैं। और एलोपैथी वाले सब जानते हैं, बडविक की रिसर्च के बारे में जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी जानते हैं, दे डोंट टॉक। अच्छा। वो जानने वो चाहते ही नहीं कि हम कैंसर के कारण को जानें, क्योंकि कैंसर के कारण को जान लेंगे तो फिर पेशेंट निवारण पूछेंगे, और जो निवारण एलोपैथी हमें दे रही है, ये जो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी वगैरह, ये सब बेईमानी हो जाएंगे, इसलिए वो हमें नहीं बताते, लेकिन वो जानते हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डेंसी रॉन्ग, वो बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी लिखा था कि शुरू में तो मुझे बडविक की विज्ञान मेरा समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा था फर्जी है, लेकिन जब मैं गया उनसे मिलने, मैंने मैंने उनसे बातचीत की, उनकी रिसर्च को पढ़ा, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। और उसके बाद वो अमेरिका जाके पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बडविक प्रोटोकॉल से करने लगे। एक डॉक्टर रॉबर्ट विलनर थे, उनकी वाइफ की डेथ कैंसर से हुई थी, वो एलोपैथी डॉक्टर थे, फ्लोरिडा में बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी। जब वाइफ की डेथ हो गई तो फिर उन्होंने जो है कैंसर के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पर रिसर्च करना शुरू किया, और इस सिलसिले में वो बडविक से भी मिले, कई बार जाकर मिले। एक बार वो बडविक के घर पे ही थे, और इतने में जो है उल्म सिटी है जर्मनी में, वहां के जो डॉक्टर अर्नस्ट थे, सीगफ्रेड अर्नस्ट, जो बडवी के पेशेंट थे, उनका फोन आया, और फिर उन्होंने जो है इनसे बात करवाई डॉक्टर विलनर से। हालांकि उनको पता था, लेकिन फिर भी उनके मुंह से सुन के उनको बड़ा अच्छा लगा। और फिर जब वो वहां से निकले तो रास्ते में उनकी ट्रेन से जा रहे थे वो म्यूनिक, रास्ते में उल्म स्टेशन आया, उन्होंने देखा बोर्ड, उनका ये यहीं तो रहते हैं डॉक्टर सीट, डॉक्टर अर्स्ट, मैं इनसे मिलता हूँ। वो वहां अपना सूटकेस लेके उतर गए, उनको फोन किया, दूसरे दिन से मुलाकात की, तो डॉक्टर अर्स्ट को स्टोमक में कैंसर हुआ था, मैं बता रहा हूँ ब्रीफली, और उनकी सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी में उन्होंने कहा कि पूरे पेट में जो कैंसर फैल चुका है वापस बंद कर देना चाहिए, तो जो कंपाउंडर था मेल नर्स, उसने कहा कि कभी इनकी डेथ तो वैसे भी होने वाला था, क्यों ना हम कोशिश करें जितना कुछ निकाल सके निकाल दें। तो इस तरीके से उनकी सर्जरी कंप्लीट की, और बाद में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हुआ, 2-3 महीने वो ठीक हुए, चलो कैंसर से ठीक हो गए, लेकिन दो दो साल बाद फिर उनको कैंसर का रिलैप्स हो गया, फिर उनको कहा कीमोथेरेपी लो, उन्होंने मना कर दिया, फिर वो डॉक्टर बडवी के पास गए, और उसके कई सालों बाद वो अर्नस्ट उनसे मिले थे, और उनको कैंसर होने के बाद 15 साल तक, जब तक जो डॉक्टर विलनर ने लिखा तब तक वो हेल्दी थे,
स्वस्थ थे। इसी तरीके से प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनको भी कैंसर हुआ था, शायद आपको ध्यान हो, कोलोन में कैंसर हुआ था, वो उन्होंने भी बडविक प्रोटोकॉल लिया था, लेकिन उनको बडविक प्रोटोकॉल दे रहे थे स्विट्जरलैंड के कोई डॉक्टर थे, लेकिन वो बडविक से उनके बारे में बातचीत करते रहते थे, वो बडविक से सलाह लेते रहते थे। तो बिल क्लिंटन ने उनका मतलब बडविक प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट लिया। एक हमारे बड़ौदा के हैं, मेरे ख्याल से इंडियन डॉक्टर्स का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, तो बड़ौदा के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, उनको नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा था, उन्होंने बडविक प्रोटोकॉल लिया, वो बिल्कुल ठीक है। एक टर्की की एक लेडी डॉक्टर है नीले कहरामन, उसकी मदर को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, और उसने भी मेरे सुपरविजन में ट्रीटमेंट लिया। एक अक्षय है, एक आईटी में बंदा गोरखपुर का, बेंगलोर में जॉब करता, उसके फादर को प्रोस्टेट कैंसर था, इतने शानदार रिजल्ट्स मिले हैं, तो उसकी स्टोरीज मेरी वेबसाइट पे है सारी। तो एक मिस्टर एबी अग्रवाल है, बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने एक सेमिनार भी करवाया था, उनको भी प्रोस्टेट कैंसर था, उन्होंने बडविक लिया, मेरे सुपरविजन में लिया, और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं। एक पेशेंट का जिक्र और मैं करना चाहता हूँ, अमेरिकन पेशेंट है डॉन उल्वानो। डॉन उल्वानो को रेक्टम कैंसर था, तो उसने जो है मेरे से कांटेक्ट किया था, मैंने उसको सुपरवाइज किया, मैंने उसको गाइड किया, उसने बडविक प्रोटोकॉल लिया। एक दिन मैं घर से निकल रहा था, तो उसका मेरे पास फोन आया कि मुझे वीडियो कॉल करनी है, तो मैंने क्लिनिक जाके उससे वीडियो कॉल की, और जो बातें उसने कही शानदार, बहुत अच्छे फीडबैक दिए थे, वो ठीक हो गई थी। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये बातें तो तुम रिकॉर्ड करके मुझे भेजो, फिर उसने भेजा मुझे, 18 मिनट का वीडियो था, मुझे लंबा लगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट किया, वो यूट्यूब पे है। 9 महीने में उसने अपने रेक्टम कैंसर को ठीक किया, और उसने सारे ट्रीटमेंट जो एलोपैथी के थे वो उसने मना कर दिए, नहीं लिए, डॉक्टर्स ने उनको डराया धमकाया, लेकिन उसने नहीं सुनी, और वो जो है मेरी जो बुक है जिसको वो फॉलो करती थी, उसके लिए उसने कहा था दिस इज माई सेकेंड बाइबल। इसी तरीके से एक जयपुर के एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, उनको भी स्टोमक कैंसर था, उन्होंने कीमोथेरेपी ली, तब तक भी ठीक थे। फिर एक बार वो हैदराबाद गए, उनके किसी फ्रेंड ने कहा, जो सर्जरी करता था, उनको सर्जन था, तो उसने कहा यार अब तो तुम ठीक हो, तुम्हारी सर्जरी कर देते हैं। वहां उनकी सर्जरी हो गई, उसके बाद उनकी हालत खराब होती गई। फिर उन्होंने मुझे बुलवाया था, मेरे से बात की थी, मैं जयपुर गया था, और मैंने उनको बडविक प्रोटोकॉल एडवाइस किया था, शुरू करवाया था। कुछ दिनों बाद स्थिति है कि जो बिस्तर पे थे वो नाक में नलची लगी थी, लेकिन उन्होंने मरीज देखना शुरू कर दिया था। तो और भी बहुत सारी हैं। एक शांति थी, बीकानेर के आसपास ही कोई लेडी थी, उसको लियोमायोसार्कोमा यूट्रस में था, गांव में रहती थी वो, गांव में खेत के पास में कहीं रहती थी, खेत के अंदर मतलब वो हट में रहती थी, और उनको हिंदी नहीं आती थी। वो मेरे पास आया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसके ब्रदर्स वगैरह को मतलब गाइड कर पाया, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी सबसे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो है बीच में फिर वो आए और मतलब बताते रहे। फिर 3 महीने बाद वो शांति मेरे पास आई, उसका सर मैं पहचान नहीं पाया उसको, फिर ये वही शांति, उसका फोटो मैं शेयर करूंगा आपको। तो ये सब इस तरह से बहुत से हैं, पूरी स्टोरियां हमारी वेबसाइट पर है, मेरी एक वेबसाइट है gobadvik.com, वहां पे हिंदी में इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं, बडविक प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी है। एक डाउनलोड पेज है, वहां पे बहुत सारी ई बुक्स हैं, बडविक प्रोटोकॉल की भी 2 ई बुक्स हैं वहां पर, हिंदी में है बडविक दर्पण, इंग्लिश में है बडविक इज ग्रेट, तो वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, बडविक के बारे में जान सकता है। जी जी, बड़ा अच्छा लगा जानकर। और जिस तरह के आपने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस, मतलब अलग एडवांस स्टेज वाले भी जिनका ऑपरेशन वगैरह भी हो चुका है, उसके केस में भी इसमें काफी काफी हद तक सक्सेस जो है वो मिली है, तो
डेफिनेटली ये बहुत एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग है, और इट्स इट्स डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग कि जिनको भी कोई ऐसी ऐसा चैलेंज है डेफिनेटली उनको आपसे कंसल्ट करना चाहिए. इसमें जैसे आपने बताया कि कुछ कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपसे संपर्क किया और आपकी गाइडेंस में उन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरह से आप जनरली लोगों में इसमें अवेयरनेस फैला रहे हैं, और अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना है तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है इस ट्रीटमेंट का? जी सर, सर जब मैं बटविक पर रिसर्च कर रहा था और जब मेरे पूरी चीज समझ में आ गई थी, तो मैंने मेरे जो दूसरी एक्टिविटीज थी पेशेंट देखने की वो बिल्कुल बंद कर दी, और मैं सिर्फ बटविक प्रोटोकॉल की अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ और अलसी की अवेयरनेस पर काम कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारे सेमिनार किए लखनऊ में भी, एबी अग्रवाल साहब ने भी करवाया था, इंदौर में, भोपाल में, वो उड़ीसा में, वो भुवनेश्वर में पिछले साल फरवरी में किया था, नोएडा में, गाजियाबाद में, जयपुर में, कई जगह हमने सेमिनार्स किए हैं. मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं, हर पॉसिबल मैगजीन में वो पब्लिश हुए हैं, आज जिंदगी में भी पब्लिश हुए हैं, खूब उनको सराहा गया है, सबने पढ़ा है. एक इंग्लिश की मैगजीन है हेल्थ ऑफ इंडिया, उसमें मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था. उसके बाद उन्होंने कहा हर इशू में आपका आर्टिकल होना जरूरी है, और 3-3.5 साल तक उसके हर इशू में वर्ल्ड वीक प्रोटोकॉल से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स उसमें पब्लिश होते रहे. फिर एक बार मैंने कहा था, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि एक स्पेशल इशू जो है बटविक के ऊपर बनाए, तो बड़ी प्रसन्नता से वो हमने प्लान किया. उसमें कवर पेज पर डॉक्टर जोहाना बटविक का फोटो था, वो सब मैंने ही डिजाइन किया था, पूरी कवर स्टोरी, उनकी बायोग्राफी, टेस्टिमोनियल्स, उनके ट्रीटमेंट के पूरे डिटेल्स में दिए थे. वो भी जो है हमारे डाउनलोड पेज पर है, लोग डाउनलोड कर सकते हैं. फेसबुक पर भी एक ग्रुप है बटविक प्रोटोकॉल के नाम से जो मैंने बनाया था. वैसे तो फेसबुक पे बहुत ग्रुप होते हैं, लेकिन मुझे आई एम प्राउड दैट मैंने वो ग्रुप बनाया था. उसमें बटविक पर दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो सारे उस ग्रुप के मेंबर हैं, चाहे वो जेनकन्स हो स्पेन के या लोथर हरनाई से, और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो काम कर रहे हैं वो उस ग्रुप के मेंबर हैं. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जानकारियां मिलती हैं वहाँ, बहुत सारे लोग हैं जो बटविक प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. एवरीबडी शुड ज्वाइन दैट ग्रुप, उसकी लिंक भी आप शेयर कर देंगे. और ये मैं कह रहा था जी, इसमें ट्रीटमेंट लेने का क्या है सर, कि कैसे कैसे आपसे संपर्क करें, किसका क्या इसका जनरली ट्रीटमेंट का वो मेथोलॉजी क्या रहती है आपकी इसको ट्रीट करने की? मेरा ये मानना है कि बटविक प्रोटोकॉल की हमने वेबसाइट भी दी है, गूगल पर भी मिल जाएगी, लेकिन गूगल पर बहुत सारी जानकारियां इनकम्प्लीट होती है, थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती है. और कैंसर जैसे प्रॉब्लम को आप ट्रीट कर रहे हैं तो बेटर है कि इफ अगर आप किसी की गाइडेंस में लोगे तो अच्छा रहेगा, गलतियां नहीं करोगे, और गलतियां नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. तो मेरा फोन नंबर है, लोग मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, वो मेरी गाइडेंस में सुपरविजन में ट्रीटमेंट ले या ना ले, बट कोई भी मुझे बटविक प्रोटोकॉल से संबंधित कोई भी बात पूछता है, मैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, और वो सोल्व करना मैं मेरा फर्ज समझता हूँ. और मेरे ख्याल से जो बटविक का जो क्वांटम साइंस है, बटविक की जो का जो विज्ञान है, उसको अगर हमने हमारे जीवन में ढाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से सर इस दुनिया में एक भी कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट मच आई कैन से विद फुल एश्योरेंस. वाह क्या बात है सर. एक मैं जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि कैंसर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज, तो कैंसर से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए दो दो जो इस सवाल में दो चीजें हैं मैं ऐड कर रहा हूँ. एक तो ये कि जिन लोगों जो लोग स्वस्थ हैं उनको कैंसर ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैंसर का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? और दूसरा ये कि जिनको कैंसर है आगे ये बढ़े ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके बारे में बताएं आप. जी सर, सर क्या है
जब हमारी एलोपैथी का विकास शुरू हुआ था तो डॉक्टर्स ने किया था, बहुत अच्छे उद्देश्यों से किया था। मतलब हमारा जो मोटो था वो था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन पर ही काम कर रहे थे। बहुत सारे प्रिवेंशन के प्रोग्राम्स आए, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया। लेकिन जैसे जैसे एलोपैथी आगे बढ़ती गई, नई नई दवाइयां आती गई, और हमारी जो मेडिकल साइंस थी उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां ज्यादा आई और उनका दखल बढ़ता गया, और धीरे धीरे उन्होंने इस मेडिकल साइंस को मेडिकल इंडस्ट्री बना दी। और आप देखोगे कि पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से कोई नया प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं आया, ना एड्स के लिए आया है, नई बीमारी उसके प्रिवेंशन के लिए कोई बात, कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, कोई कैंसर के लिए आया? मतलब ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे ये बीमारियां तो होनी है, वी कैनॉट प्रिवेंट देम, बट ये गलत है। हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और इनकी इंसिडेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर हम प्रिवेंट ना करेंगे तो बहुत बुरी स्थिति होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बट ने क्या कहा है, कुछ पॉइंट्स बताए। यूज फ्लैक्स सीड ऑयल एज ऑयल, ऑयल खाना है, फैट खाना है तो फ्लैक्स सीड यूज करो, इसको रॉ यूज करो। और अगर मान लो आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का स्टर फ्राइंग वगैरह करना है तो कोकोनट ऑयल या कोई अच्छे से अनपॉली अनसेचुरेटेड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हल्का फुल्का कर लो, बाकी मेन आपका ऑयल जो है, फैट है, वो फ्लैक्स सीड होना चाहिए। उससे का कोई ट्रांसफैट मत लो। आप जो है जितने भी ट्रांस फैटी एसिड्स जिनमें हैं वो ऑयल्स हैं, कमर्शियल जो ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, मार्जरीन है, वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स हैं, इनसे बनने वाले जो बाजार के दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, कचौड़ी है, समोसे हैं, इन सब को आप बंद करो। आप टाइम से उठो, टाइम से सो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो, ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश करो, टॉक्सिन से बचो, टॉक्सिक कॉस्मेटिक से बचो। और घर के लिए भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आपका जो घर है उसमें उड का प्रयोग ज्यादा हो, बेडरूम में कम से कम मेटेलिक फर्नीचर्स नहीं हो, आपके जो कारपेट्स हैं वो सिल्क के या ऊलन के हो, जो एक्रेलिक के आजकल आ रहे हैं वो ना हो। तो इस तरीके से आप जो है घर के एटमोसफियर को भी जितना जितना ज्यादा से ज्यादा एक हेल्दी रख सकते हो वो रखो। आपके बेडरूम में कम से कम ये आपका वाईफाई मत रखो, मोबाइल फोन को बाहर रखो, नहीं तो रात में जो है आप उसको उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो। मतलब ये प्रिकॉशन रखना है ताकि जो 8 घंटे आप सो रहे हो घर में, तब तो कम से कम आप ये रेडियो एक्टिव एटमोसफियर से दूर रहो। और अगर ये सब हम करते हैं तो कैंसर नहीं होगा। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज ये जो सेशन जो हमने किया इसके अंदर एक चीज तो ये क्लियर है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके जो फैक्ट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ हवा में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे जो जिन लोगों ने डेवलप किया वो साइंटिस्ट लोग हैं, और इसको जो आगे जो लेके जा रहे हैं वो एक्सपर्ट लोग हैं, आपके जैसे एक्सपर्ट लोग हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा जो आपने अभी काम कर रहे हैं, और आगे आगे करने का जो आपने प्रण किया हुआ है ये भी बहुत बहुत सराहनीय है। मतलब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि वो डॉक्टर ओपी वर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो संपर्क की जो जितनी भी जानकारी है वो हम इसी वीडियो के नीचे डिटेल में डाल देंगे, तो आप इनसे संपर्क करें, इनसे आप अपॉइंटमेंट लेके आप इनके गाइडेंस में, अगर खासकर अगर आपको कोई इस तरह का चैलेंज है, आपके परिवार में कोई कोई बीमार है, तो आप इनके गाइडेंस में इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। और उम्मीद है इस जानकारी से आप सभी को बहुत बहुत जो है लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अब एक लास्ट मैसेज देता हूँ। वो जी, बिल्कुल जो डॉक्टर डेंसी रोम का जिक्र किया था, उन्होंने बडविक से मिलने के बाद में जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि कैंसर इज वीक, वल्नरेबल एंड इजीली क्योरेबल इफ यू नो हाउ। इफ यू नो हाउ, वेरी नाइस। बिल्कुल, तो इसी मैसेज के साथ हम इस चर्चा को आज विराम देते हैं, और अगली चर्चा में हम और डिटेल जानकारी लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ एक लाइव सेशन कर सकें सर,
जिसके अंदर हम अपने लाइव व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जो है वो आंसर ले सके, क्योंकि हम लोग एक अपने लेवल पे हाई लेवल पे जानकारी लेते हैं, लेकिन व्यूअर्स के कई बार कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग एक आपके साथ लाइव सेशन भी जरूर लेकर आएंगे। इट्स माय प्लेजर, और आपके साथ जो हमारे वीडियोस बन रहे हैं, तो मेरे सर्किल के लोग, आपके सर्किल के लोग, काफी लोगों के मेरे पास फोन आए, एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग। लोगों ने यह भी कहा कि जो अशोक गुप्ता जी का जो इंटरव्यू लेने का तरीका है वो मार्वेलस है। नहीं, अच्छा लगा सर जानकर, बहुत अच्छा लगा जानकर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।